मॉर्निंग। आज हम लोग एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक लेंगे जिसका नाम है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में तो आप लोग बहुत जानते होंगे कि न्यूज़ में भी आता रहता है कि भारत का जीडीपी इतना ग्रोथ हुआ। भारत का जीडीपी फोरकास्ट करता है, आईएमएफ भी करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन भारत का जीडीपी का आने वाले साल में कितना आएगा, कितना ग्रोथ होगा, ये सब बताता रहता है। न्यूज़ में भी आता है और न्यूज़पेपर वगैरह में आता है। तो ये जीडीपी है क्या चीज़? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है? इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विथ इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड। सो इसका नाम जैसे सिग्निफाई करता है जीडीपी, जी फॉर ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है? टोटल। अगर मैथमेटिकल टर्म यूज करेंगे, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। इकोनॉमिक्स में हम लोग ग्रॉस बोलते हैं। और डी है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट। तो इसमें तीन चीजें, हम चार चीजें हम लोग देखने को मिलेगा। पहला है क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा है फाइनल वैल्यू, तीसरा है ग्रॉस और चौथा है पीरियड। तो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है? गुड्स वो चीज होता है जिससे कि हम कुछ सामान, कुछ पैसे किसी को देते हैं और उस बदले में कुछ सामान लेते हैं, तो वो गुड कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। और सर्विसेज क्या है? सर्विसेज जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर अपना कोई पैसे देते हैं डॉक्टर को, बट वो कोई सामान नहीं देता है, वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, तो वो एक सर्विस हो गया, एजुकेशन एक सर्विस हो गया। तो ये होता है गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया है, दिस इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। तो फाइनल मनी वैल्यू क्या होता है? फाइनल वैल्यू जैसे कि बहुत सारे चीजें हम लोग बनाते हैं कंट्री में, बहुत सारे प्रोडक्ट बनता है। जैसे मान लो गेहूं, गेहूं बनता है और हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, मान लो बिस्किट खरीदते हैं, क्या है? बिस्किट, है ना। तो अगर बिस्किट खरीद रहे हैं तो इसमें बिस्किट बना कैसे है? बिस्किट बना है मैदे से बना है। पहले गेहूं आया, गेहूं को पीस के मैदा बनाया गया, मैदा से उसमें और सारे इंग्रेडिएंट जैसे काजू, मान लो काजू मिलाया गया, शुगर मिलाया गया, ये सब मिला के फाइनली हम लोग क्या बनाए? बिस्किट बना। तो ये जो गेहूं से शुरू होके ये बिस्किट बना, तो हर स्टेज में क्या हुआ, इस गेहूं के साथ, इस मैदे के साथ वैल्यू एडिशन होते गया, और वैल्यू एडिशन होते होते फाइनली क्या बना? बिस्किट बना। तो हम लोग जब खरीदने जाते हैं बिस्किट, तो हम लोग वो मैदे को नहीं खरीदते हैं, मैदे के लिए अलग से पैसा नहीं देते हैं, या फिर काजू लगा है उसके लिए अलग से पैसा, हम लोग जो फाइनली वैल्यू एडिशन हो गए, जो फाइनल प्रोडक्ट बना है उस पे हम पैसे देते हैं, ठीक है। तो ये जो फाइनल वैल्यू बोल, फाइनल प्रोडक्ट बना उसमें हम लोग पैसे देते हैं। तो ये डेफिनेशन जो वही बोल रहा है, इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, मतलब जितने भी गुड्स भारत में बन रहा है, जितने भी सर्विसेज बन रहे हैं, उसको हम मनी में ट्रांसफर करेंगे, मनी के फॉर्म में लाएंगे। और कौन से गुड्स को लेंगे? जो फाइनल वैल्यू, जो फाइनल प्रोडक्ट्स निकलेंगे सारे वैल्यू एडिशन के बाद, उस पे जो फाइनल मनी बनाए, मनी टर्म में हम लोग लेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रोड्यूस विथ इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री कर दी। तो वो जो फाइनल प्रोडक्ट बना उसका मनी वैल्यू लेंगे, और वो जितने भी विथ इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, मतलब भारत, अगर भारत को लूंगा मैं, अगर भारत टोटल, भारत के जो पॉलिटिकल मैप है या जो ज्योग्राफिकल मैप के अंदर जितने भी हम लोग गुड्स बना रहे हैं और सर्विसेज बना रहे हैं, है ना, उसको फाइनल मनी वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। और जो वैल्यू बनेगा, जो टोटल वैल्यू बनेगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? जीडीपी। और ये जीडीपी क्या होता है? पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैलकुलेट होता है। जैसे कि इंडिया में 1 साल के लिए कैलकुलेट होता है, या फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। और अपना फाइनेंशियल कब से कब चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो ये जो पीरियड चौथा जो पॉइंट था, पीरियड मतलब 1 साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका फाइनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी टर्म्स में हम लोग कन्वर्ट करेंगे,
जितना बनेगा, जितना टोटल बनेगा वो हमारा कहलाएगा जीडीपी। ठीक है, तो और ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जिसे बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के अंदर में जितना भी हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज बना एक साल के अंदर, उसको हम मनी में कन्वर्ट कर दिए, जितना मनी हुआ दैट इज वो कहलाएगा हमारा जीडीपी फॉर द पीरियड ऑफ 1st of April to 31st of March। तो हम लोग इसमें जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री बोल रहे हैं, ज्योग्राफिकल बाउंड्री का और क्या क्या आता है, इसके अलावा भी कुछ बाहर आता है, जैसे कि मान लो कोई अपना एम्बेसी है, इंडिया का एम्बेसी, एम्बेसी बहुत सारे कंट्रीज में, तो वो तो इंडिया के अंदर में है, काम नहीं कर रहे हैं, बट कहां काम कर रहे हैं, वो देश के बाहर काम कर रहे हैं, फिर भी वो भी इंडिया के ही कहलाए, तो वहां पे जो सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस सर्विसेज दे रहे हैं, उसका जो पैसे वो लोग पैसे जो ले रहे हैं, तो उसको भी इसमें ऐड होगा। मान लीजिए कोई अपना शिप है, अपना शिप तो बस इसके अंदर तो रहेगा नहीं, किसी फॉरेन कंट्री में जाके ऑपरेट कर रहा है, वहां भी वो पैसे अर्न कर रहा है, तो वो भी इसमें ऐड होगा। तो ये नहीं कि बस ज्योग्राफिकल बाउंड्री मतलब इसी के अंदर ही एम्बेसीज वगैरह हो गया, एरोप्लेन्स वगैरह हो गया, शिप वगैरह हो गया, ये सब जो भी बाहर में ऑपरेट कर रहे हैं बट दे आर फ्रॉम इंडिया, तो वो भी उसमें ऐड होगा। तो जीडीपी वही होता है, इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है उसका फाइनल वैल्यू, इन फाइनल मनी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीडीपी का सिग्निफिकेंस क्या है, हम हमेशा सुनते रहते हैं कि जीडीपी इस साल बढ़ इतना रेट में बढ़ेगा, घटेगा, ग्रोथ रेट बताता है ना, तो इसका सिग्निफिकेंस यह है कि ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, एक कंट्री का क्या होता है, एक कंट्री का टोटल जो मतलब वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहा है वो शो करता है, ये क्वांटिटी में शो करता है, जितना ज्यादा जीडीपी होगा उसका इकोनॉमी उतना बड़ा होगा। जैसे कि यूएसए, यूएसए का जीडीपी सबसे ज्यादा है क्योंकि वहां सबसे ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो वहां का जीडीपी सबसे बड़ा हुआ। इंडिया का जीडीपी जो है वो थर्ड और इंडिया का जीडीपी थर्ड पोजिशन पे इन और उस चाइना का सेकेंड है, तो ये हो गया जीडीपी। और जीडीपी क्या होता है, ये यूज किस लिए होता है, जीडीपी इज यूज टू कंपेयर टू इकोनॉमिक्स, दो इकोनॉमी को हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, जिसका जीडीपी ज्यादा है वो ज्यादा बड़ा इकोनॉमी है। और एक इसमें लिमिटेशन ये है कि जीडीपी का, जीडीपी से क्या है, हम लोग क्वांटिटी शो करता है, जीडीपी शोस क्वांटिटी बट नॉट क्वालिटी। ठीक है, हम जीडीपी को बता देंगे कि हाँ अपना जीडीपी इतना लाख करोड़ का है, ठीक है, बट क्वालिटी क्या है ये हम लोग नहीं बता सकते इसके जीडीपी से, वैल्यू से। जैसे मान लीजिए कि छोटा सा एग्जांपल दूंगा, मान लीजिए कि जियो, जियो एक सर्विस देता है टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में, तो वो मान लीजिए कि एक साल के अंदर उसका जो टर्नओवर, एक साल के अंदर वो जितना उसका पैसा कमाया, मान लो 1 लाख करोड़ कमाता है, तो हम लोग वो क्या जीडीपी में ऐड होगा, लेकिन उस 1 लाख करोड़ से हम लोग ये नहीं बता सकते कि जियो का सर्विस कैसा था, उसका नेटवर्क अच्छा था कि नहीं था, कैसा था, हम उससे बता नहीं सकते। तो ये जीडीपी से हम लोग क्या है, बस क्वांटिटी हम लोग को बताएगा, बट वहां उस कंट्री में किस क्वालिटी का सर्विसेज मिल रहा है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इससे हम पता नहीं चलता। तो ये जीडीपी के एक लिमिटेशन है। तो ओवरऑल देखेंगे तो जीडीपी, अगर फाइनली मैं इसको बताऊंगा तो जीडीपी इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, इट इज द फाइनल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम बोलते हैं जीडीपी। इसका मेन 3-4 चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू लेना है प्रोडक्ट का, और इसका जो टोटल ग्रॉस लेना है, और एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है, जनरली हम लोग उसको एक साल तक लेते हैं। और एक टर्म है एनडीपी। एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे जीडीपी हो रहा था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऐसे है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हम लोग बोलते हैं ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी,
डिफरेंस क्या है, ग्रॉस सैलरी जो होता है टोटल सैलरी होता है, और नेट सैलरी जो होता है वो कट, जो सैलरी कुछ कटने के बाद जो लोग मिलता है वो नेट सैलरी। सिंपल से सिंपल वही है, यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होता है। जीडीपी होता है ग्रॉस, टोटल जो प्रोड्यूस हुआ उसका मनी वैल्यू को अपन ट्रांसफर करके जो निकला वो जीडीपी हो गया। लेकिन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हम कहलाएंगे तो उसका फॉर्मूला ये होगा, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, है ना, सर्विसेज देते हैं, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्रू एसेट्स। एसेट जैसे कि मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई प्लांट है, तो उस जो प्लांट से जो गुड्स बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बनने के लिए जो प्लांट जो यूज हो रहा है उसका क्या होता है, साल भर में वेयर एंड टियर होता है। वेयर एंड टियर के पैसे क्या होता है, उसका जो जो डेप्रिसिएशन होता है, उसका जो वैल्यू करना, उस कैपिटल का वैल्यू का डेप्रिसिएशन होता है, घटते है। जैसे कि हम लोग कार खरीदते हैं, कार खरीदते तो जैसे हम लोग शोरूम से लेते हैं, मान लो 4 लाख का कार है, एक साल बाद वो 4 लाख नहीं रहता है, क्यों, क्योंकि उसका जो वैल्यू है डेप्रिशिएट कर जाता है, नया जितना वैल्यू था अभी वो एक साल में वो इतना वारंटी और होके उसका वैल्यू घट गया, वो डिप्रिशिएट किया। तो वही चीज यही यहाँ पे यूज होता है, जो भी हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, जो एसेट्स यूज करते हैं उसके लिए जो कैपिटल यूज करते हैं वो भी डिप्रिशिएट करते हैं। तो उस डिप्रिशिएशन को क्या होता है, अगर हम लोग जीडीपी से माइनस कर देंगे तो हम लोग क्या निकलेगा, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये दो कंसेप्ट, दो चीज था, जीडीपी एंड एनडीपी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।